हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अजय मोबाइल। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लावा का फ़ोन है, ये हमारा आप देख सकते हैं मॉडल नंबर। मॉडल नंबर इसका लावा A73। इसको मैं फ्लैश करके आपको बताऊंगा। ये लावा पे रुका हुआ है और कभी रिस्टार्ट होता है, कभी कुछ होता है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे इसको फ्लैश करना है। ये देखिए, ये हमारी फ्लैश फाइल है, ठीक है, और ये हमारा टूल है। फ्लैश फाइल और फ्लैश टूल मैं आपको दोनों का लिंक दे दूंगा वीडियो के नीचे। ये हमारा एसपीडी का फ्लैश टूल है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पे सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करना है और जहाँ पे भी आपकी फाइल है आपको अपने फाइल में जाना है। तो जैसे कि मेरी फाइल मैंने डेस्कटॉप पर रख रखी है, हम डेस्कटॉप पे गए हैं, ये न्यू फोल्डर 10 में मैंने फाइल रख रखी है, ये हमारी फाइल है, ठीक है, पैक फाइल। इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब देखिए, फाइल जब ये हमारे फ्लैश टूल में लोड हो रही है तो ये टाइम लेता है, तो हम क्या करते हैं, वेट करते हैं इसका। ये नहीं कि फाइल लोड हो रही है तो आप जैसे यहाँ पे देखिए नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो आपको वेट करना है। इसमें फाइल हमारे जो ये टूल होता है इसके अंदर अभी लोड हो रही है, तो वेट करेंगे हम थोड़ा। लोड हो चुकी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो प्ले का ऑप्शन होता है आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको ये चाइनीज भाषा में आ रहा हो यहाँ से, और इंग्लिश, और यहाँ से आपको यस कर देना है। तो अब क्या करना है, आपको सबसे पहले तो फ़ोन को कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले तो एक USB पोर्ट आपको अपने सिस्टम में लगा लेना है, उसके बाद ये बैटरी आपको लगा लेनी है और बैक कवर तो लगाना ही है, और इसमें जब हम इस डाटा केबल को लगाते हैं ना तो हमें वॉल्यूम अप वाला बटन दबाना पड़ता है। जैसे ये डाटा केबल मैं लगाऊंगा और वॉल्यूम अप बटन दबाऊंगा तो ये अकेले थोड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं करता हूँ। ये देखिए, वॉल्यूम अप को मैं दबा देता हूँ अभी से, और डेटा केबल को मैं लगा देता हूँ। ये देखिए कनेक्ट हो चुका है। देखिए मैंने वॉल्यूम अप अभी भी दबा रखा है, तो अब मैं इसको छोड़ देता हूँ और यहाँ पे इसकी फ्लैशिंग चालू हो गई है। देख सकते हैं आप, तो इसी तरीके से आपका SPD का जितने भी CPU होते हैं सारे फ़ोन आप फ्लैश कर सकते हैं। मैं इसकी फ़ाइल आपको लिंक दे दूंगा वीडियो के नीचे, और एक्चुअली वो मेरी मैं अपने वेबसाइट का भी लिंक दे दूंगा। तो उस वेबसाइट में मैं धीरे धीरे जितनी फ़ाइलें हैं मैं सारी उसमें अपलोड कर रहा हूँ। तो आपको जैसे MI के फ़ोनों की मैंने सारी अपने वेबसाइट पर फाइलें अपलोड कर दी है, तो आप लोग वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, काफ़ी आसान है। मैं आपको एक बार अपनी वेबसाइट दिखा देता हूँ, जब तक ये फ्लैशिंग यहाँ पे हो रही है। फ्लैशिंग जो SPD के फ़ोन होते हैं थोड़ा टाइम लेते हैं फ्लैश होने में। जैसे पीछे मैंने गूगल क्रोम खोला है, ये थोड़ा स्लो चल रहा है सिस्टम, काफ़ी ज़्यादा लोड हो चुका है। जैसे आप देख सकते हैं पूरा डेस्कटॉप भर चुका है और विंडो करप्ट हो चुकी है, तो विंडो चेंज करनी है इसकी। ये देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आप जैसे आप गूगल पे जाते हो तो गूगल पे आपको सर्च करना है, ठीक है अजय, उसके बाद ठीक है azymobile.com, ठीक है। आप जब ये azymobile.com लिख देंगे तो सबसे ऊपर ये देखिए, ये मेरी वेबसाइट आ गई azymobile.com। देखिए ये मेरी वेबसाइट है। तो अभी हाल फिलहाल में मैंने ये सैमसंग के J2 के फ्लैश फाइल डाली है इसके अंदर, ठीक है। और ये देखिए चाइना सबसे ऊपर लिख रखा है, चाइना क्रैक वर्जन जो होते हैं फाइलें होती हैं, तो जो भी है इसके अंदर
तो सारी फाइलें अपलोड हो रही है। मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा अपनी वेबसाइट के लिए, इसमें धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें अपलोड हो रही हैं, तो इससे आप लोगों को कोई भी फ्लैश फाइल हो आपको डाउनलोडिंग करने में बहुत ही आसानी होगी। तो हम फ़ोन देखते हैं हमारा भी फ्लैश हुआ है या नहीं, फ्लैशिंग हो रही है फ़ोन की। थोड़ा टाइम लेता है फ्लैश होने में। देखिए फ्लैशिंग हो चुकी है यहाँ पे। अब इस फोन को हम उठाते हैं और इसको मैं एक बार बैटरी निकालना पड़ेगा एक बार इसमें से, और उसके बाद बैटरी इसमें लगाना पड़ेगा। अब मैं इसके पावर बटन को दबा देता हूँ। देखिए फ़ोन हमारा चालू हो चुका है। पहले ये लावा पे ही रुका रहता था और इसकी बैटरी थोड़ी डाउन होगी, तो मैं चार्जिंग पे अभी ही लगा देता हूँ इसको। थोड़ा वेट करेंगे, फ़ोन चालू होने में थोड़ा टाइम लेगा। देखिए हमारा फ़ोन चालू हो चुका है और ये आगे भी बढ़ गया है। ठीक है, तो आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना, और बेल आइकन को भी दबा देना।